पर्यावरण को संरक्षित करना है, वह सब साधन अपनाने होंगे, वह हमें त्याग करना होगा कि हम भौतिकवादी परिवेश में कहीं यह न भूल जाए कि हम अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं, कुल्हाड़ी से उसको काट ले रहे हैं। निश्चित रूप से रैंप इंटरनेशनल स्कूल द्वारा जो यह कार्यक्रम शहर के बीचों बीच किया गया है, ये कार्यक्रम विद्यालय में भी हो सकता था, संस्थान में भी हो सकता था, लेकिन उससे यह संदेश पूरे जनपद में ना जाता कि हमें पर्यावरण की तरफ, पृथ्वी को संरक्षित करने की तरफ भी देखना है। तो बच्चों ने जो मानव श्रृंखला बनाई वह इस अटूट संकल्प का संदेश है कि हम किसी भी दशा में अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने देंगे, उसे नष्ट नहीं होने देंगे, बचाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, प्राचार्य को जिन्होंने अच्छा संदेश प्रस्तुत किया है। इसी के साथ पुनः शुभकामनाओं सहित अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अभी आपने सिटी मजिस्ट्रेट परम आदरणीय एवं सम्माननीय श्री राजेश सर के वचनों को सुना। उन्होंने अपने संदेश में हमें जो कहा है हमें वो कर दिखाना है। इंतजार खत्म हुआ, अब हम सभी लोग उस क्षण के लिए प्रस्तुत होने जा रहे हैं जो बहुत ही शुभ है और अपनी धरती मां को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं रचना मिस, इष्मा मिस और सतमरा मिस से निवेदन करूंगा कि वो हमारे पास यहां मंच पर आए। रचना मिस, आप जहां पर भी हो, सतमरा मिस एंड इष्मा मिस, मैं आप तीनों लोगों से अनुरोध करूंगा कि बच्चों से वृक्ष सैपलिंग्स ले लिए जाएं। बच्चे अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। बच्चे, आप लोगों से अनुरोध है कि आप शांति का परिचय दें और कुछ बच्चे बीच से पौधे लेकर के यहां पर इष्मा मिस और सतमरा मिस के पास आए और यहां पर स्टेज पर वो सब पास में रखें। रचना मिस, आप जहां पर भी हैं, सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखें और अपने ही पास खड़े एक बच्चे को सारे पौधे देकर बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी जगह पर अपने पौधों के साथ खड़े रहें। हम अब सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने पौधों के साथ वो खड़े रहे वहीं पर। सभी बच्चों से निवेदन है कि वो अपने पौधों के साथ वहीं पे खड़े रहे। और मैं अब मुख्य अतिथि महोदय और आज के अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वो वृक्षारोपण के लिए प्रस्थान करें।